और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, शक्ति वंदन बिल पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन बिल को लोकसभा में जबरदस्त समर्थन मिला है। सिर्फ दो वोटिंग के दौरान सिर्फ दो वोट बिल के विरोध में पड़े और बाकी सभी वोट पड़े बिल के पक्ष में। तो लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ जो विधेयक है, नारी शक्ति वंदन बिल, वो पास कर दिया गया है। अब इसकी राह आगे की होगी राज्यसभा में, और जो विपक्षी दलों का रुख है उससे लग रहा है कि वहां भी कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज तमाम विपक्षी सांसदों, पक्ष के सांसदों ने एकजुटता से लगभग दो तिहाई बहुमत से पास कर दिया। हालांकि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इस विधेयक पर अपनी अपनी बातें रखी। विधेयक को लेकर एक लंबी बहस हुई और आखिरकार बुधवार को संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन था आज, और इसके समर्थन में 454, खिलाफ में दो मत, 7 घंटे से ज्यादा की चर्चा, उसके बाद मतदान, और ये बिल प्रचंड मतों से पास हो गया। बहस में तमाम नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी से लेकर अमित शाह से लेकर सदन में अपनी बात रखते हुए हर कोई नजर आया। हालांकि ज्यादातर राजनीतिक दलों की तरफ से इसके समर्थन की घोषणा की गई, लेकिन कुछ कुछ प्रावधानों को लेकर जरूर सवाल थे। इसमें आरजेडी और समाजवादी पार्टी की मांग थी कि इसमें ओबीसी समुदाय के लिए भी अलग से आरक्षण का प्रावधान हो। राजनीतिक दलों को अलग अलग प्रावधानों पर जरूर अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार ये बिल लोकसभा से पास कर दिया गया है। 7 घंटे से ज्यादा तक चली बहस के बाद लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल को पास कर दिया गया है। महिला आरक्षण विधेयक पर जबरदस्त बहस देखने को मिली पक्ष और विपक्ष की। इसके बीच में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आया, परिसीमन का मुद्दा आया, जनगणना का मुद्दा आया। तमाम सवालों के जवाब गृहमंत्री अमित शाह ने भी दिए, और किस तरह की किन कैटेगरीज में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है ये साफ किया गया। एक तिहाई सीटों को आरक्षित करना है तो कौन सीट तय करेगा, किस तरह से होंगे, ये सब बातें आज सरकार की ओर से अमित शाह जो कि गृहमंत्री है उन्होंने क्लियर की, और काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। अपनी अपनी बात सबने रखी, लेकिन आखिरकार जब वोटिंग हुई तो महज 2 मत ही खिलाफ में पड़े और 454 मत पड़े पक्ष में। और इस तरह से विशेष सत्र के तीसरे दिन नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा से पारित कर दिया गया है। तुरंत ये लागू नहीं होगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद फिर ये, क्योंकि संविधान संशोधन बिल है तो स्वाभाविक रूप से आधी जो विधानसभाएं हैं वहां से भी इनको मंजूरी मिलनी बाकी है। और कहा यह जा रहा है कि 2026 के परिसीमन के, क्योंकि इसमें जिक्र है परिसीमन का, इसलिए परिसीमन के बाद ये लागू होगा, तो तुरंत लागू नहीं होगा। एक लंबी लड़ाई, लेकिन लंबी लड़ाई नारी शक्ति को मजबूत आधार देने की भी थी, तो कम से कम वो पड़ाव, पहला पड़ाव आप कह सकते हैं कि संसद के माध्यम से ये पहला और बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव पास कर लिया।